अकाउंटिंग की होती है, रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं किसके लिए करते हैं, जो बाकी के लोग उसको देखते हैं इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो ओनर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे क्रेडिटर हो, वो सारे लोग जो है वो उनको देखते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग वगैरह जो वो उसमें उनको यूज कर सके। तो जो हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है इसके इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी हम इन्फॉर्मेशन ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, वो हमारी रिलायबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक विश्वसनीयता तो होनी चाहिए। कंपेरेबल का क्या मतलब होता है कि हम उसको कंपेयर कर सके दूसरी किसी इससे। तो जब भी हम कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, अपने बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं, तो हम ऐसे कंपेरेबल का मतलब है कि हम ऐसे देखते हैं ना, पिछले महीने हमें इतने का फायदा हुआ था और इतने का लॉस हुआ था, फिर नेक्स्ट महीने के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो ऐसे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है या ईयरली होती है, तो हम उनको कंपेयर करते हैं कि यार पिछले साल जो हमारा सेल्स के फिगर ऐसे थे, या पिछले साल हमारा प्रॉफिट ऐसा था, या पिछले साल जो हमारे खर्चे थे। तो हम ऐसे क्या करते हैं, अपनी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो अपने साथ ही कंपेयर करते हैं कि पिछले साल क्या था, या पिछले 3 महीनों में हमारी परफॉर्मेंस कैसे थी, इन 3 महीनों में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको हम कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब आप क्या करते हो, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो अजम्पशन बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है या अकाउंटिंग थ्योरी क्या होती है, ये क्या अजम्पशन होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग जब हम करते हैं, जो भी हम लेखा जोखा करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या उनको हम समरी निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्या पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जो भी और बड़ा कुछ ये आता है। तो हम इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर फार्मूला उसी को यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, अजम्पशंस है काफी ज्यादा लोगों की, जो अलग अलग लोगों ने जैसे धीरे धीरे ये डेवलप हुई है चीज। तो इसमें जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है इसमें काफी ज्यादा क्या होती है, अजम्पशंस होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग ये होते हैं, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग लोगों ने जो भी अपनी अकाउंटिंग करी है, और इस हिसाब से उन्हें लगा कि हमें यहाँ पर ये चीज ऐसे करनी चाहिए, उन्हें लगा कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए। अब जैसे आप हम करते हैं ना, जैसे शादी ब्याह या जन्मदिन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम अलग अलग संस्कार जो होते हैं वो करते हैं कि ऐसे करो, इस हाथ से पकड़ो, इस हाथ से नहीं पकड़ो, फिर यहाँ पर इतनी बार डालो, यहाँ पर इतनी बार डालो, यहाँ पर फिर इसको पी जाओ, इसको सिर में रख लो, इसको खा जाओ, इसको इतने पैसे चढ़ाओ, यहाँ पर इतने फेरे लगाओ। तो वो सारी क्या है, वो अलग अलग एजम्पशंस है, उनका कोई ऐसे कोई वो नहीं है कि हार्ड वो रूल है या कोई जरूरी है भाई ऐसे करना ही है, लेकिन वो एक धीरे धीरे डेवेलप हुई है चीजें और जिनको हम फॉलो करते हैं। जब भी हम ऐसा कोई घर में संस्कार करते हैं, कोई ऐसा फंक्शन करते हैं, तो उनमें हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। कुछ अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से फॉलो होती है, तो जो प्रसोग में अलग तरीके से होगा, कोई शादी के जो भी रीति रिवाज रस्में होंगी वो अलग होंगी, और किसी और एरिया में चले जाएंगे तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन उनका मेन कुछ चीजें मैच भी होती है, कुछ सेम भी होती है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो होती है, जो अकाउंट अलग अलग देशों में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इन्वायरमेंट में लोग अलग अलग एग्जम्पशन करके अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो ज्यादा भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उनको जो रूल होती है, कन्वेंशन होती है अकाउंटिंग की, उनको हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसका मेन पर्पज क्या होता है कि इसमें हमने एक यूनिफॉर्मिटी बनानी है और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिकॉर्ड में। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि हम एक अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हम कुछ चीजों को मान के चल रहे हैं। ये मान के चलना जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग में। हम अजम्पशंस करते हैं, मतलब कुछ चीजों को हम अज्यूम करके चलते। अजम्पशन होता है, जैसे आप जो पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, अजम्पशन हम मैथ में बड़ी सारी करते हैं कि मान लो जब आपको बोलते हैं कि के बाप की उम्र इतनी थी और उसकी इतनी थी, तो बताओ इस बच्चे की उम्र कितनी थी, तो आप बोलोगे कि मान लो रखे अंजू इक्वल टू अंजू एज इक्वल टू एक्स,
तो एक्स मानते हम, मैथ में मानते थे एक्स, आप भी मानते थे कि नहीं मानते थे? तो हम क्या करते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं एक्स, अकाउंटिंग में भी हम ऐसे अज्यूम करते हैं चीजों को। एग्जम्पशन जो होती है अकाउंटिंग में, एग्जम्पशन का बड़ा भारी रोल है अकाउंटिंग में, हम बड़ी सारी चीजों को अज्यूम करके चलते हैं। उन्हीं एग्जम्पशंस को क्या करेंगे, अगर कोई अलग अलग एग्जम्पशन करेगा तो गड़बड़ क्या होगी कि जैसे आपने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जिसमें आपने कुछ अपने प्रिंसिपल यूज करे, अपने तरीके की एग्जम्पशन करी, फिर अगली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई उसमें आपने अलग सी एग्जम्पशन या अलग से रूल फॉलो कर दिए, तो दिक्कत क्या होती है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कंपेरेबिलिटी होती है, जब हम कंपेयर करते दो रिपोर्ट्स को तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट को कंपेयर करने में आपने अलग फॉर्मूले कन्वेंशन और प्रिंसिपल यूज करे हैं, और फिर अगले साल में आपने बोला अब चेंज कर देते हैं, अब हम ये तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे इस साल जो हम अपनी अकाउंट, क्या गड़बड़ होगी जब हम हर बार अपनी अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट या जो भी कन्वेंशन है या जो तरीके हैं उनको हम बदलते रहेंगे, तो हम उस डाटा को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डाटा को कंपेयर करने के लिए आपने अलग तरीका अपनाया, फिर आपने अगले 3 महीने बाद आपने बोला कि ये तरीका अच्छा नहीं था, इसको बदल देते हैं। तो जब हम उनको कंपेयर करेंगे दो रिपोर्ट्स को, तो वो दो रिपोर्ट्स मैच नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक ही तरीके से नहीं बनाई है। तो हम चीजों को उन्हीं चीजों को कंपेयर कर सकते हैं जो कि सेम तरीके से बनाई गई होंगी। जैसे हम 6 साल के डाटा को 1 साल के डाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, अगर हमने किसी चीज का, किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, तो हम उसके 1 साल की और अगले साल को कंपेयर करेंगे तो हम पता चलेगा कि, या 3 महीने को 3 महीने से करेंगे, 3 महीने को 1 साल से करेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो 1 साल के प्रॉफिट से ऑलरेडी कम ही होगा। ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या करता है कि एक इनको, जो भी ये अलग अलग लोग अलग अलग यूज करते हैं चीजें कन्वेंशन जंक्शन, इनमें एक फॉर्मेलिटी लाता है, मतलब इनको एक इकट्ठा करके बताता है कि आपने ये जो है, जिस भी अकाउंटेंट ने इनको करना है वो इन रूल्स को या इन प्रोसीजर को फॉलो करेगा, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी जो है, जो भी रूल्स है और सारे अलग अलग देश या अलग अलग लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उन वो रूल जो है वो सारे फॉलो करें, उसके लिए हमारे पास होता है ये गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप क्या करता है, गैप क्या होते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या करता है कि इन सारी कन्वेंशन को, जितने भी रूल है प्रोसीजर है, उनको इकट्ठा करता है और उनको एक तरीके से गाइडलाइन की तरह जो वो बना करके देता है कि जो भी अकाउंटेंट होंगे, जो भी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, वो इन प्रैक्टिस को या इन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फिर क्या होता है कि जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करता है या अकाउंट प्रिपेयर करता है, जो भी कंपनी होती है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है कि हम उनको फिर कंपेयर कर सकते हैं एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ। कोई अपना रूल लगा दे और अपने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा दे, है ना, अपने तरीके से रिकॉर्ड करना शुरू कर दे ट्रांजैक्शन को, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रिंसिपल वर्ड जो होता है, इसका क्या होता है कि जनरल लॉ होता है, रूल होता है, जो कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं और जो भी काम होगा उसको करने के लिए। अकाउंटिंग में भी ये जो जितने भी ये रूल्स है, अजम्पशन है, इनको फॉलो किया जाता है और ये यूनिफॉर्म्ड होते हैं, यानी कि ये सब करने पड़ते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस चैप्टर में हम यही प्रोसीजर जो या कन्वेंशन है इनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई अकाउंटिंग जब हम सीखते हैं तो हमें ये रूल्स पता होने चाहिए, तभी हम ढंग से अपना अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, ये मतलब बेसिक है एक तरीके से, जिसने भी अकाउंट सीखना हो तो उसे ये रूल तो पता ही होने चाहिए ना। पर्टिकुलर टाइम इसलिए लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए होते हैं रूल जो होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कि जो अभी कोई पर्टिकुलर रूल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाए या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, नया रूल आ जाए, तो उस टाइम फिर वो चेंज भी हो जाता है। तो ये कोई ऐसे नहीं होते कि हार्ड, ये कभी बदलते नहीं है, ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके जो भी फंडामेंटल आइडिया होते हैं या जो बेसिक अजम्पशन होती है, बेसिक अजम्पशन मतलब जो हम मान के चलते हैं जब भी हम कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं, कोई हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज होती है और जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल होते हैं वो उनको करते हैं, तो उनको हम अकाउंटिंग ये बोलते हैं। अब ये हम एक एक करके इन रूल को पढ़ेंगे, ये काफी ज्यादा है रूल, लेकिन मैंने जो हमारे से कंसर्न करने वाले रूल है या हमारे से जो कंसर्न कंसेप्ट है, मैंने उन्हीं को टच किया, बाकी को टच नहीं किया है।
कि हम पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि एक अकाउंट को जो रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंजंक्शंस होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट होती हैं, जिनको अलग अलग लोग जो फॉलो करते हैं और ये यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ताकि आपका जो डाटा वो रिलायबल हो, कंपेयरेबल हो, आप एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर कर सको। अगर तभी कंपेयर कर सकोगे जब उसको एक ही तरीके से बनाया गया, अगर किसी ने अलग तरीके से बनाया, दूसरे ने अलग तरीके से बनाया, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ना ही वो रिलायबल होगा। तो इसलिए ये जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि जितने भी लोग अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इन रूल को ही फॉलो करें, और अगर उन रूल को फॉलो नहीं करते तो उनसे फॉलो करवाए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप अपनी जो बैलेंस शीट है उसको इस तरीके से बनाओ। तो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, क्या रूल है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कौन है? ये है ला ला, जानते हो ला ला को? नहीं जानते, आगे लगा लेते हैं। ये है लाला जी, अब तो जानते होने। तो लाला जी होते हैं जिनने बिजनेस चलाया होता है, ठीक है? तो ये है लाला जी, और ये रही लाला जी की दुकान। लाला जी की दुकान है, पर किसकी दुकान है इनकी? चलो किराने की दुकान है इनकी, लाला जी, ठीक है? ये लाला जी का बिजनेस है। तो क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हो आप? फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि जो बिजनेस होता है वो अपने आप में एक एंटिटी होती है। एंटिटी पढ़ा था ना हमने, डाटाबेस में पढ़ा था। एंटिटी मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज होती है वो एंटिटी होती है। जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट क्या बोलता है कि ये जो बिजनेस है ये अपने आप में क्या है, एक ये भी एक व्यक्ति है, मतलब इसका भी एक क्या है, अस्तित्व है, और ये इससे अलग है। ये जो इसका मालिक है, ये लाला जी ने सपोज बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने एक दुकान डाली, तो लाला जी अलग चीज है, ये अपने आप में अलग व्यक्ति है, और ये जो आप इन्होंने अपनी दुकान डाली, ये जो है ये अलग चीज है, ये दोनों डिस्टिंक्ट है, हम इनको एक नहीं माने। हालांकि दुकान इनकी है, इन्होंने पैसे लगाए इसमें, दुकान लगाई और इन्होंने अपना काम चलाया, लेकिन जब हम अकाउंट की बुक मेंटेन करेंगे, जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तब हम इसको अलग मानेंगे कि ये भाई साहब जो है वो अलग है, ये ओनर है और ये बिजनेस है। तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हमारा काम है ना रिकॉर्डिंग करना, जो भी लेन देन हुआ, तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसको व्यक्ति मानेंगे, इसको, ये जो बिजनेस है इसको व्यक्ति मानेंगे। अब सपोज लाला जी ने एक दुकान खोली और लाला जी ने उसके बाद एक दुकान और खोल ली, ठीक है? तो ये शॉप नंबर एक और खोल ली, ने बोला कि यहाँ भी खोल लेते हैं, तो इन्होंने एक और दुकान खोल ली, शॉप नंबर 2 खोल ली, तो ये अलग एंटिटी हुई। अब ये अलग व्यक्ति हुआ, ये अलग व्यक्ति हुआ और ये अलग हुआ। तो ये जो है दो, ये बिजनेस एंटिटी है। देखा होगा ना, जो भी बिजनेस होता है, अगर दुकान खोलते हो तो दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका अपना एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो तो वो लीगल है, एक लीगली कानूनी तौर पे वो एक अलग चीज होती है, लीगल एंटिटी होती है। तो बिजनेस अलग चीज होता है और बिजनेस का मालिक जो वो अलग चीज है, हम इन दोनों को सेपरेट करके चलते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है जो हर बिजनेसमैन को समझ आनी चाहिए। हम बड़े सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो अपना काम करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने पैसा लगाया और मैं ही इस पैसे को यूज करूंगा। तो बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जैसे ट्रांजेक्शन हुई कि आप कोई आया आपकी दुकान में, उसने कुछ सामान खरीदा, तो आप यहाँ पर करोगे कि उसने सामान खरीदा, आपने उसको सेल करा, बेचा और उसने कैश में पैसे दिए, तो आप उस पैसे को क्या करोगे, उसमें दुकान में बिजनेस को वो पैसे आए तो बिजनेस के उसमें एंट्री करोगे आप। तो जो भी बिजनेस का हिसाब किताब होगा, चाहे आपने सामान खरीदा बेचा, वो इसमें करोगे। लेकिन जो लाला जी का हिसाब किताब होगा वो अलग होगा। लाला जी ने सपोज क्या करा कि अपने घर के लिए एक एसी खरीद लिया, गर्मियां लगी है, उन्होंने बोला एसी खरीद लो, तो आप एसी की एंट्री नहीं करोगे, ठीक है? बिजनेस में एसी की एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये लाला जी ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक दुकान की बुक कीपिंग कर रहे हो, आप इसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, इसका हिसाब किताब रख रहे हो, तो आप इस दुकान की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उन्हीं को रजिस्टर करोगे, उन्हीं को नोट करोगे। ये मालिक जो है, जो ओनर है, जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, इसकी पर्सनल एक्टिविटी, पर्सनल जो भी लेन देन है, उसको हम नोट नहीं करेंगे, ठीक है? क्या होगा कि अगर ये
लाला जी जो है वो कल को छुट्टियां मनाने चले जाते हैं विदेश, लाला जी गाड़ी खरीद लेते हैं अपने लिए, लाला जी कुछ और कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी खर्चा करता है इसका जो भी फाइनेंशियल खर्चे होंगे लाला जी के, उनको हम जो अपनी अकाउंट बुक बनाई है, इसकी अकाउंट बुक जो बनाई है हमने बिजनेस की, उस अकाउंट बुक में उन एंट्रियों को नहीं लेंगे। तो सोप का जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसका जो हम रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम उन्हीं एंट्रियों को लेंगे जो सोप से रिलेटेड है, कि आपकी दुकान से किसी ने सामान खरीदा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने सामान बेचा, आपने किसी को उधार दिया, किसी ने आपसे उधार लिया या आपने किसी से उधार लिया, तो जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दुकान से होंगी, बिजनेस से रिलेटेड होंगी, उनको करोगे आप बिजनेस की जो अकाउंट है उसमें नोट। लेकिन जो लाला जी है, अब है तो एक ही चीज, इनका बिजनेस है और ये एक ही चीज है, लेकिन अगर लाला जी का जो भी फाइनेंस पर्सनल जो ट्रांजैक्शन होगी वो अलग होगी। अब लाला जी ने क्या करा कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या होता है कि ये कोई पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है, इसने क्या करा कि इसने बोला कि चलो मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, ये भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट कर बोला कि चलो एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो ये क्या करेंगे फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने इसमें एक फैक्ट्री लगाएंगे, और अपने यहाँ से इन्होंने क्या किया कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया फैक्ट्री में, इन्होंने 1 लाख अपनी जेब से लगा। अब इन्होंने जब पैसे लगाए तो इन्होंने फैक्ट्री में जो सामान सामान खरीदा उसमें ये इन्होंने लगा, लेकिन क्योंकि ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है, लेकिन आप बोलोगे तो एक ही है, इसने पैसे लगाए इसमें लगाए तो अलग कैसे होगा, तो हम इसको जो ये जो इसने पैसे लगाए इसको भी हम ऐसे नोट करते हैं, जब हम कोई बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे तो हम इसको एज ए क्या करेंगे कि आपने इसमें कैपिटल जो है वो लगाई, तो जब कैपिटल जो है उसमें हम इसको बोलेंगे कि इसने मिस्टर एक्स ने जो भी इसका ओनर है उसने इतने हजार की इन्वेस्टमेंट करी इसमें बिजनेस में, इतने पैसे जो है वो इसने कैपिटल जो है वो इसमें इन्वेस्ट करा, तो ये इसको हम एज ए कैपिटल लगाएंगे कि इस पर्सन ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करा, इतनी कैपिटल हमें इसमें आई, तो उसको भी नोट करके रखेंगे कि भाई इस बंदे ने इतने पैसे हमारे बिजनेस में जो है वो लगाए थे, उसको ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि इसको जरूरत पड़ी, इसने बोला कि अरे मुझे कुछ पैसे चाहिए 50,000, तो इसने बिजनेस से क्या किया 50,000 जो वो वापस ले ली, तो उसकी एंट्री इसमें करेंगे और कैपिटल से उसके 50,000 माइनस कर देंगे कि भाई तूने बिजनेस के लिए 1 लाख दिया था उसमें से तूने 50,000 निकाल लिए, अब 13,50,000 इसमें बचा, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब जो बिजनेस का जिसमें आपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, जब वो उन पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है तो वो हो गया ड्रॉइंग, उसने अपने लिए क्या किया कि उस जो उसने कैपिटल लगाई थी उसमें से उसने 50,000 वापस ले लिए, तो ये ड्रॉ हो गया और कितने बचे बिजनेस को। तो बिजनेस को हम एक इंसान की तरह देखते हैं, एक एंटिटी की तरह देखते हैं, कि जब आप उसमें बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बिजनेस बोलता है कि ये आपने मेरे में इन्वेस्टमेंट करी वो हुई कैपिटल, आपने 1 लाख मेरे में इन्वेस्टमेंट करी, अब उस कैपिटल को आप क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो, बाद में बिजनेस ने आपकी एक तरह से वो कैपिटल वापस कर दी। अब बोलोगे कि मैंने बिजनेस चलाया तो मुझे क्या फायदा हुआ फिर बिजनेस का, ये सब कुछ मैं तो फिर वही रह गया मतलब फ्री में हो गया। आप क्या करोगे कि अगर आप एक दुकानदार हो, आपने अपनी दुकान जो वो रन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे बिजनेस से फिर आपको अपना खर्चा तो निकालना ही है आपने, तो अपना खर्चा जब भी हम बिजनेस से निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने लिए उसे पेमेंट में शो कर सकते हो कि मैं अपने आप को जो भी ये होते हैं जो भी मालिक होता है, जैसे अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी है, तो वो अपने आप को कंपनी का सीईओ मतलब वो नौकरी के ऊपर होते हैं, वो एज ए ओनर नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कंपनी का क्या हूँ सीईओ हूँ, तो सीईओ जो बन गया वो तो क्या करेगा, वो एक एम्प्लॉय बन गया उस बिजनेस का एम्प्लॉय बन गया, तो बिजनेस क्या करेगा उसको सैलरी देगा। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस के क्या बन जाते हो, एक एम्प्लॉय बन जाते हो, आप मैनेजर बन जाते हो, और फिर आप बिजनेस से जो भी पैसे लेते हो वो आप एज ए सैलरी ले सकते हो, तो वो आपको एज ए सैलरी जो वो आप फिर अपनी सैलरी आप क्योंकि बिजनेस के ओनर हो, आप बिजनेस के मालिक हो, तो अपनी सैलरी आप अपने हिसाब से सेट कर लो, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसे रन कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी सैलरी जो वो उसमें कर लो, लेकिन वो भी फिर एंट्री होगी, जब हम एंट्री करेंगे जो अकाउंट बुक बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई इतनी सैलरी हमने इस बंदे को दी, तब आपका अकाउंट क्लियर होगा। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ज्यादातर दुकानदारों के साथ ये धोखा होता है, जो भी नए नए दुकानदार दुकान खोल लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दुकान खोल ली तो जो भी पैसे आएंगे वो उन्होंने उसमें डाल दिए, गल्ले में डाल दिए, और जब खर्चा होता है तो उस गल्ले से वो पैसे निकाल के ले लेते हैं, तो उन्हें फिर ये
पता नहीं रहता कि कितनी मैंने इनकम हुई। अब जैसे आपने सपोज अपने पेन लिए, एक पेन लिया, एक पैकेट लिया पेन का मैक्स राइटर का 100 रुपए, 90 रुपए का या 80 रुपए, और आपने वो पेन बेचने हैं, लेकिन आपने क्या करा कि अपनी जेब के लिए भी उसी से खर्चा निकाल लिया। जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होती है किसी सामान को लिया हमने, जैसे पेन लिए, कुरकुरे लिए, उसके लिए आपने कुछ पैसे लगाए अपनी जेब से, सपोज 5,000 रुपए लगाए, और क्या हुआ कि जब तक वो बिकने हैं तब तक आपने बोला कि आज बड़ी ये लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंडा पी लूं, आपने देखा कि यार चलो आज समोसे खा लूं, तो आपने अपने उससे पैसे निकाल के ऐसे खर्च करते रहे। जब लास्ट में आप हिसाब करने बैठे तो आपने 5,000 रुपए का सामान डाला था दुकान में, लेकिन जब आपने देखा कि इससे इनकम कितनी हुई, तो आपने देखा रे इनकम तो 4,500 ही हुई, अब 500 रुपए कहां गया? 500 रुपए कहां गया कि आप जो खुद निकालते रहे, आपने खुद ही निकालते खाना पीना करते रहे, कई बार आपने खुद ही खा लिया अपना सामान दुकान का, कई बार आपने दुकान के गल्ले से किसी को दे दिए पैसे, तो फिर वहां पर आपको लॉस हो जाता है। और बड़े सारे नए दुकानदार इस चीज को नोट नहीं करते हैं, वो लगे होते हैं गल्ले से निकालने बांटने, क्योंकि जब पैसे आ रहे होते हैं, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो बड़े सारे पैसे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे साथ बड़े सारे पैसे हैं, तो आप उस हिसाब से खर्चे करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि जो पैसे आ रहे हैं उसमें से मैंने है, तो उसे लगता है कि यार बड़ा भारी लॉस हो गया। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कभी भी आप, तो जो ज्यादातर पुराने दुकानदार होते हैं जिनको इस बात की समझ होती है, वो अपना वॉलेट जेब में रखते हैं, तो जब भी उन्होंने कोई अपना खर्चा करना होता है या किसी को पैसे देने होते हैं, तो वो अपनी जेब से निकाल के, या जैसे उनको खुले पैसे भी देने हैं तो अपनी जेब से जैसे वो खुले पैसे देंगे, तो वहां पर उतने पैसे उस गल्ले में वो डाल के दे देते हैं, ताकि जो बिजनेस का हिसाब किताब है वो अलग रहे और अपना जो हिसाब किताब है वो अलग रहे। तो जब आप जो बिजनेस का ओनर होता है, जो इस डिस्टिंक्शन को समझता है कि ये बिजनेस अलग चीज है और वो अलग चीज है, तो उसको अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता रहता है कि उसका बिजनेस कैसे रन कर रहा है, फायदे में कर रहा है रन की लॉस में जा रहा है। अगर वो अपनी जेब से बिजनेस में उस गल्ले में पैसे डालता रहेगा या निकालता रहेगा, तो उसे ट्रू वो नहीं पता चलेगी कि उसका बिजनेस फायदे में जा रहा है कि नुकसान में जा रहा है। और इसी वजह से कई बार क्या होता है कि जो नए दुकानदार होते हैं वो इस चीज को डेप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में 3-6 महीने बाद उन्हें लगता है कि बड़ा भारी लॉस हो गया, वो लिख करके नहीं लिखते हैं चीजों को या उनको अलग अलग नहीं करते, तो जब उनको पैसे आते चलते हैं तो वो अपना मौज मस्ती में उड़ाना शुरू कर देते हैं, और जब फिर उन्हें लगता है कि अरे मेरा तो सामान खत्म हो गया, मैंने नया सामान डालना है अपनी दुकान में, तो उन्हें फिर वो पैसे यहाँ वहां से दोबारा से लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपने एक कुरकुरे की पेटी ली, आपने बेची, आपको लगा कि अरे मेरे पास तो बड़े सारे पैसे आ गए, आपने अपना खा पी लिया, लेकिन अब आपने एक और दोबारा नई पेटी लेनी है, उसके लिए फिर आपके पास पैसे है नहीं। तो जब आप बिजनेस के जो हिसाब किताब होता है और अपना हिसाब किताब अलग रखते हैं, तो ये गलतियां नहीं होती है। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का, वो यही है कि हमारा जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस को रन करने वाला या बिजनेस का जो ओनर होता है, इनके बीच में हम डिस्टिंक्शन रखते हैं। वो एक सेपरेट यूनिट होती है और उसका हिसाब किताब अलग होता है, और जो ओनर होता है उसका हिसाब किताब अलग होता है। और क्योंकि आप अकाउंट जो वो बिजनेस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिजनेस का अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो बिजनेस का जो लेन देन है उसी को हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओनर क्या करता है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, ओनर घर के लिए क्या करता है, दुकान के लिए क्या करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है या बिजनेस में पैसे डालता है, तो उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम कैपिटल बोलते हैं जब वो बिजनेस में पैसे डालता है, और जब वो निकालता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ये आगे ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है, जो एक्सरसाइज होती है, उसमें फर्स्ट एंट्री यही होती है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से, तो वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? तो कोई भी जो नया बिजनेस स्टार्ट होता है और उसकी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो यही होती है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं, उसमें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, तो वो जो पैसे डालने होता है उसको हम कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो फर्स्ट एंट्री बोलती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ये तो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा सिंपल है कि हम इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, जो भी ट्रांजेक्शन हम उसमें लिखते हैं, तो हम पैसों के इसमें एक्सप्रेस कर सकें उनको पैसों के हिसाब से ही लिखते हैं। मतलब जिस चीज की वैल्यू है, जिस चीज को हम पैसों में वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी चीज को हम लिखते हैं। यानी कि अगर इसको
इस सिंपल भाषा में बोले तो हम पैसों को ही लिखते हैं और कोई चीज नहीं लिखेंगे। अगर आपने कोई एंट्री करनी तो हम उसको किलोग्राम में मीटर में ऐसे नहीं लिखेंगे। आपने एक कुरकुरे का एक पेटी लाया तो आप ये नहीं लिखोगे कि मैं इतनी पेटी लाया या इतने पैकेट कुरकुरे के लाया या इतने पैकेट बिस्कुट के लाया, आप ये नहीं लिखोगे। आप ये लिखोगे उसका मनी मेजरमेंट कि कितने की लाया, तो आप लिखोगे 10 पीस ऑफ बिस्किट इक्वल टू 100 रुपीज। तो आप हर चीज को पैसों में, क्या बोलते वो डायलॉग होता है ना फिल्मों का कि हर चीज को पैसों में तोलते हैं, तो अकाउंटेंट होता वो कमीना इंसान जो हर चीज को पैसों में तोलता है उसको, मतलब वो हम बिजनेस में जब भी कोई एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मेजर करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको हम अगर पैसों में तोल सकते हैं। तो वैसे तो बोलते हैं कि हर चीज को पैसों में नहीं तोलना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में हर चीज पैसों में तोलेंगे और जो चीज पैसों में हो जाती वैल्यू उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कोई ऐसी चीज है जिसकी पैसों में वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब क्या होती है वो चीजें? वैसे तो सारी चीजें हम पैसों में आती है। बिजनेस में कोई सामान आएगा, कोई चीज आएगी तो हम उसे पैसों में, अब जैसे आपने कोई इम्प्लॉय रखा तो इम्प्लॉय को भी आप पैसों में रखोगे कि उसको कितनी सैलरी दी, बिजली का बिल आएगा या आपके रॉ मटेरियल आएगा या रॉ मटेरियल दोगे आप, तो ये सारा कुछ जो होता है वो पैसों में हम वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको पैसों में मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आपका लाला जी की तबीयत खराब हो गई, लाला जी बीमार हो गए, लाला जी दुकान खोली नहीं, अब बिजनेस को लॉस हुआ, 2 दिन दुकान नहीं खुली तो भयानक लॉस हुआ, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई लाला जी की वैल्यू इतनी है, लाला जी ने 2 दिन दुकान नहीं खोली तो हमें इतना लॉस हुआ, ये नहीं रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, दुकान नहीं खुली तो नहीं खुली, हम सिर्फ प्योरली हम यही करेंगे कि कितना हमने बेचा, कितना खरीदा, क्या बेचा, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा। अब वो बेचने और खरीदने में किसी वजह से कोई अड़चन आ रही है तो उसको नहीं हम रिकॉर्ड कर सकते। लाला जी बीमार हो गए, लाला जी ने दुकान नहीं खोली या लाला जी ने 2 घंटे दुकान लेट खोली, उसकी वजह से इतने ग्राहक चले गए, वो नहीं हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या फिर जैसे आपका कोई मैनेजर है या 2 लोग हैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले, उनकी आपस में बन नहीं रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि फैक्ट्री का काम ठीक से चल नहीं रहा है। जब फैक्ट्री का काम ठीक से नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो ओवरऑल आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो हम उस चीज को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं जिनको हम पैसों से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम पैसों से मेजर नहीं कर सकते, उनको हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी के और भी जो और जो जितनी भी हमारी और चीजें होती हैं उनको हम तभी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट की बुक में जब उनको हम पैसों से मेजर कर सकते हैं, और मतलब उनका और तरीके से नहीं होगा किसी का भी, मतलब चाहे वो आपकी क्वांटिटी से नहीं करते हैं, क्वांटिटी तो हम साइड में लिखते हैं लेकिन वो कितने की आई, कितने पैसे लगे उसमें, वो उसमें हम जरूर लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें फिर कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट। कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर दुकान ओपन करता है, दुकान शुरू करता है, तो वो क्या सोच के शुरू करता है दुकान कि भाई 3 महीने के लिए खोलनी मैंने दुकान, उसके बाद बंद कर देनी, या 5 महीने के लिए खोलनी उसके बाद मैंने बंद कर देनी, या 1 साल के लिए करूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा। हम ये सोच के तो कभी बिजनेस को स्टार्ट करते नहीं कि हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसको बाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे और चल देंगे। तो अगर हाँ कोई ठगने का बिजनेस है, किसी को ऐसे बेवकूफ बनाना, तब तो हम वो लोग तो ऐसे करते हैं कि कुछ दिन के लिए खोलेंगे और अपना चलाएंगे और पैसे पूसे इकट्ठे करेंगे और उसमें भाग जाए। लेकिन बिजनेस जब भी हम कोई रन करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रन करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब फॉर एवर के लिए बनाते हैं। कोई बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते हैं कि ये दुकान हम कल परसों बंद कर देंगे, तो हम ऐसे बनाते हैं कि आगे से आगे, मतलब उसको बढ़ाना है, आगे से आगे फैलाना है। तो जब हम शुरू करते हैं तो हम छोटे से शुरू करते हैं, फिर उसमें हम और ऐड करते चलते हैं, जैसे जैसे बिजनेस आगे प्रोग्रेस करता है उसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं और उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी आप फैक्ट्रीज देखते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो, या कोई एक अच्छा लाला भी देखते हो, तो उसने भी अपने कोई अच्छा लाला अच्छे से काम कर रहा तो वो 2-3 जगह दुकान खोल देगा आगे और को फैलाने की कोशिश करेगा। तो कोई भी अपना बिजनेस इस तरीके से शुरू नहीं करता कि भाई मैंने 6 महीने के लिए चलाना है उसके बाद मैंने बंद कर देना है। हमें ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस कभी जो है वो बंद नहीं होगा, मतलब ये चला ही रहेगा। तो उसमें हम जो भी हम खरीदते बेचते हैं तो उसका हम ऐसे वो नहीं चलो अरे गप्पे मारते हैं, मुझे लगता है चलनी क्लास।